हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं बहुत कमाल का कॉम्बो रेसिपी। तो इस रेसिपी में है, इस कॉम्बो में शेयर करेंगे हम आपके साथ पनीर भुना मसाला और बहुत ही कमाल की दोस्ती रोटी की रेसिपी। तो ये कॉम्बो यकीनन आपको पसंद आने वाला है, आप इसे लंच डिनर समय बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू कर लेते हैं। हम ले लेते हैं 1 कप गेहूं का आटा और 1 कप मैदा। आप चाहे तो दोनों ही कप मैदा का ले सकते हैं और चाहे तो दोनों ही कप गेहूं के आटा का ले सकते हैं। तो हमने हाफ हाफ दोनों को रखा है। उसमें हम 1/2 टीस्पून नमक मिला लेंगे और थोड़ा थोड़ा गुनगुना पानी मिलाते हुए हमें एक सॉफ्ट सा आटा लगा लेना है। तो फ्रेंड्स, आप हमें कहाँ से देख रहे हैं हमें ज़रूर बताइएगा। हमें बड़ी खुशी होती है कि हमारे व्यूवर्स हमें कहाँ से देख रहे हैं ये हमें बताओ। तो आटा तैयार हो चुका है, अब हमें इसे 20 मिनट के लिए रेस्ट पे डालेंगे। चलिए अब दूसरा काम शुरू करते हैं। एक मिक्सिंग बाउल में 1/2 कप ले लेते हैं दही। उसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर और 2 बड़े चम्मच डालेंगे हम धनिया पाउडर के। तो ये सारे बेसिक मसाले हैं। और हाँ, 1/2 चम्मच हम हल्दी पाउडर भी मिला लेंगे। ये सारे बेसिक मसाले जो हमारे किचन में आमतौर पर मौजूद होते हैं, कुछ भी नया इसमें नहीं है। सभी चीज़ मसालों को हम दही में मिक्स कर लेते हैं और अब इसको एक साइड रख देते हैं। अब एक बाउल में हम ले लेंगे गर्म पानी। तो ये पानी अच्छा बॉयल हो चुका है, तो कैटल से हमने डायरेक्टली इसमें डाला बाउल में। उस अब उसमें हम डाल देंगे 1/2 चम्मच नमक, और नमक मैंने डाल दिया है, और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। तो नमक और हल्दी पाउडर मिला लेते हैं। तो हल्दी और नमक के पानी को इस तरह तैयार कर लेते हैं और इसे ढक के हम एक साइड रखेंगे। पानी चूँकि काफ़ी गर्म है तो अभी इसमें टाइम लगेगा, तो उसे एक साइड रख देते हैं। ये लिया है हमने 250 ग्राम पनीर। तो पनीर को हमने स्लैब को इस तरह से टुकड़ों में काट लिया है और थोड़ा सा टुकड़ा करीबन 20 ग्राम का हमने एक साइड किनारे रख लिया है। तो इसका क्या यूज़ करेंगे वो हम आपको आगे बताएंगे। अब चलिए एक पैन में हम 2 बड़े चम्मच तेल को गरम करते हैं, और नॉनस्टिक पैन लीजिएगा। तो तेल अच्छी तरह गरम हो जाए तो पनीर के टुकड़े जो हमने अलग करके रखे हैं काट के, तो उसे डाल देते हैं और इसे हम शैलो फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह से शैलो फ्राई कर लेने से हमारे पनीर की रेसिपी में बहुत ही अच्छा सा एक टेस्ट आ जाता है। तो आज जो मैं रेसिपी शेयर करूंगी पनीर की, बहुत ही लाजवाब सी रेसिपी है। तो अब जो पानी हमने हल्दी नमक का बना के रखा था वो अभी भी गर्म है, तो उसी गर्म पानी में हम डाल देते हैं पनीर को, ढक करके छोड़ देते हैं 10 मिनट के लिए। तो इधर हम कुछ और काम कर लेते हैं। एक कढ़ाई में हम 3 बड़े चम्मच ऑयल के डालेंगे, 1/2 टीस्पून जीरा डालेंगे, 1 छोटी इलायची, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 2-3 लौंगे। गरम मसालों को चटकने देते हैं, बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही है। तो फ्लेम हमारा अभी लो रखना है और चुटकी भर हींग डाल देंगे। एक चॉप की हुई हरी मिर्च भी डाल देते हैं। हरी मिर्चों की भी बड़ी प्यारी सी खुशबू आती है करी के अंदर। ये एक बड़े प्याज को हमने चॉप कर लिया, अगर छोटा प्याज हो तो 2 प्याज ले लीजिए और फाइनली चॉप कीजिए। बहुत बारीक चॉप करके हमने डाल दिया है। अब प्याज को तेल में भून लेंगे सुनहरा होने तक। पनीर के बहुत सारी रेसिपीज मेरे चैनल पे अपलोडेड है फ्रेंड, आप जाके विजिट करके देख सकते हैं। प्याज भून गया है, सुनहरा रंग आ चुका है, तो 1 बड़ा चम्मच हम डाल देंगे लहसुन अदरक के पेस्ट का। ज़रा सा पानी ऐड करेंगे, और हमने गरम पानी ऐड किया है तो गरम पानी ऐड करने से भी करी में बहुत अच्छा सा मज़ा आता है और बहुत फ़र्क आ जाता है करी के मज़े में। तो पानी ऐड करके हम थोड़ा सा लहसुन अदरक के पेस्ट को पका लेंगे, और जो हमने दही में मसाले में मिला के रखे थे ना, अब उस मसाले को ऐड कर देना, उन्हीं मसालों को, और इन मसालों को थोड़ा सा हम पकाएँगे। ये देखिए कितनी प्यारी सी खूबसूरत सी रंगत आ गई है यहाँ पे, देखिए ग्रेवी की। और मसालों को हमने 2 से 3 मिनट भूनना है, बहुत ही खुशनुमा सा कलर आ चुका है इसके ऊपर। अब हम डाल देंगे टमाटर का पेस्ट। तो 2 बड़े टमाटर का हमने पेस्ट बनाया है,
अब टमाटर के पेस्ट को भी डाल के भून लेंगे। तो आज जो रेसिपी मैं आपको बताने वाली हूँ सिंपल है, बहुत ही डिलीशियस और बड़ी जल्दी बनने वाली है। टमाटर डालने के बाद हम ऐड कर देंगे नमक, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और हाँ, एक चीज़ और डालेंगे जो हमारे करी को यानी ग्रेवी को क्रीमी लुक देगा। तो हम पनीर के टुकड़े को ग्रेट करके डाल देते हैं, जो पनीर का टुकड़ा हमने अलग रखा था उसे हमने कद्दूकस कर लिया बारीक और इसे मिला देते हैं ग्रेवी में। तो इसकी वजह से ग्रेवी क्रीमी क्रीमी हो जाएगी। और इस ग्रेवी में हमने कोई काजू वगैरह यूज़ नहीं किया है, लेकिन इसके बावजूद बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा, बहुत ही क्रीमी लुक आने वाला है। तो जब तक हमारा वो तैयार हो रहा है ग्रेवी, उसे अभी हम 5-7 मिनट पकाएंगे, हम कुछ और काम कर लेते हैं। तो जिस पैन में हमने पनीर तला था उसी तेल में हमने शिमला मिर्च और प्याज को ले लिया है। हमने एक छोटा शिमला मिर्च लिया है और एक छोटे प्याज को स्लाइस कर लिया है। उसे स्टर फ्राई करेंगे, यानी कि तेज़ आँच पर हमें इसे फ्राई कर लेना है। तो इसे फ्राई करके एक साइड रख देते हैं। इधर हमारा ग्रेवी भी तैयार हो चुका है, ये देखिए तेल निकल के आ चुका है, तो ग्रेवी अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। थोड़ा सा पानी मिलाएंगे क्योंकि थोड़ा सा थिक हो रहा है हमारा ये ग्रेवी। अभी हमने आँच को स्लो कर दिया है। अब मिला देंगे आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, ये होममेड गरम मसाला पाउडर है, और एक बड़ा चम्मच मिलाएंगे कसूरी मेथी का। तो कसूरी मेथी मिलाना ना भूलिएगा, इससे भी बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा हमारे पनीर भुना मसाला का। और ये बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला मज़ा देने वाला है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में मैं बना रही हूँ। इधर पनीर भी जो हमने पानी में डाल के रखा था ना, तो 10 मिनट के बाद हमने इसे निकाल के इसे क्यूब्स में काट लिया। आपको दिखा रही हूँ मैं कितना नर्म, ये देखिए कितना नर्म और फ्लफ़ी हो गया है, कितना मुलायम हो रहा है ये पनीर। तो अब हम क्या करेंगे, ग्रेवी हमारी पूरी तैयार है, उसमें पनीर को ऐड कर देते हैं। तो मिनटों में बन जाने वाली ये रेसिपी आपको यकीनन पसंद आएगी। अब लंच और डिनर की जल्दी होती है तो उस वक्त आप ये बहुत आसानी से बना सकते हैं। पनीर को मिलाने के बाद अब हम मिला देंगे शिमला मिर्च और प्याज, हमने स्टर फ्राई करके रखा हुआ था। सभी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। अब हम मिला देंगे एक बड़ा चम्मच फ्रेश क्रीम का, ये ऑप्शनल है, अगर आप ना मिलाना चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। धनिया की पत्ती डाल देंगे और इसे 2 मिनट धीमी आँच पर पकाना है हमें। तो 2 मिनट पकाने के बाद ये देखिए हमारा पनीर भुना मसाला बनके तैयार है, कितना खूबसूरत लुक आ रहा है और उतने ही इसका अच्छा मज़ा है। इधर आटा भी हमारा तैयार हो चुका है, हम बना लेते हैं इसके छोटे छोटे लेमन साइज के बॉल। 6 बॉल हमने बनाए हैं, यानी कि इससे हमें हमारी 3 रोटियां, 3 यानी कि 3 पेयर बनने वाले हैं। तो इसी तरह से 2 लोई को लेके हम थोड़ा थोड़ा बढ़ा लेते हैं और दोनों लोई पे थोड़ा थोड़ा सा, तो 1/4 चम्मच के करीब घी डाल करके इस तरह से फैला लेते हैं। अब दोनों पीसेस को हम इस तरह से जोड़ लेते हैं, यानी दोनों पेयर इकट्ठे हो गए हैं, इसे भी बढ़ा करके हमें बेल लेना है। ये देखिए दोनों इकट्ठे हमें बेल लेना है और अब जितना बढ़ा सकते हैं बढ़ा लीजिए। एक बड़ी सी रोटी हमने बना ली है। इधर हमारा पैन भी तैयार है, अब तवा पे भी बना सकते हैं। तो तवा हमारा मीडियम गर्म है, उस पर हम रोटी को डाल देते हैं। 30 सेकंड के बाद उलटेंगे, बहुत हल्का सा इस पर चित्ती आया है, और इस तरह से किनारे हमें कपड़े से थोड़ा थोड़ा सा दबा करके सेक लेना है। ये देखिए तो दोनों साइड इधर भी हम उलट देते हैं, दोनों साइड इसी तरह हल्का हल्का सेकते हैं। प्यारी प्यारी सी गोल्डन चित्तियाँ दिख रही हैं। हमारी रोटी ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है और आपको अभी से दिखाई दे रही होगी लेयर्स कितने अच्छे निकल के आए हैं, कितना प्यारा सा लेयर्स निकला है। और मिनटों में हमारी ये दोस्ती रोटी बन के तैयार हो चुकी है, यानी हमने तवे पर डाली 1 और मिली हमें 2 रोटियाँ, है ना। ये देखिए कमाल की दोस्ती रोटी पनीर की सब्ज़ी के साथ बहुत मज़ा देती है। ये देखिए तो इसी तरह कपड़े पे निकाल लेंगे, आप चाहे तो अपने मनचाहे तरीके से फोल्ड करें और उसे रख लें इसी तरह से ढक करके। तो हमारी दोस्ती रोटी बनके तैयार हो चुकी है, दूसरी भी हमने निकाल ली है। और आप इसे गरम गरम में ही अलग करें, ठंडी होने पे गरम होने से ये आपस में उलझेंगी। तो गरम गरम में इसी तरह से निकाल लेते हैं, आइए सर्व कर लेते हैं। तो बहुत ही कमाल का पनीर भुना मसाला हमारा तैयार हो चुका है, देखने से टेम्पटिंग लग रहा है, साथ ही हमने रोटी भी सर्व कर दी है और मिर्चों के भरे हुए अचार। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ दबा के कितना नरम और मुलायम है। तो मैं इसी तरह की रेसिपी लेके आती रहती हूँ। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।
और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट देकर हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। तो एंजॉय कीजिए अपना वीकेंड, लंच पे बनाइए या डिनर पे बनाइए, बहुत मज़ा आने वाला है। ये देखिए पनीर कितना फ्लफी और सॉफ्ट है, ये देखिए अंदर से भी बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाला ये पनीर भुना मसाला, और पनीर के पीसेस तो मत पूछिए, लाजवाब है। तो फिर मिलते हैं हम आपसे दोस्तों कुछ नया अच्छा लेकर के, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।